सर आपका नाम सर? मेरा करण सिंह। सर आप क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा? नहीं छठ पूजा सबसे तो पहले मैं अपने सब उत्तर भारतीयों को मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा छठ पूजा के लिए सबके लिए। और हमारा जो उत्तर भारतीय सेल है ये हमेशा किसी भी कार्य में हम लोग तत्पर रहते हैं करने के लिए। कोई भी जैसे छठ पूजा आ गई या मतलब अपना किसी भी तरह का कोई हमारा उत्तर भारतीयों का फेस्टिवल आता है तो हम लोग इस पर तत्पर रहते हैं करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ है वो पिछले साल भी उन्होंने इस प्रकार का अरेंजमेंट किया था ताकि किसी भी उत्तर भारतीय को छठ पूजा के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के मामले में, कोई कानून व्यवस्था के मामले में, या कोई चाय पानी के मामले में, या कोई आराम करने के मामले में किसी प्रकार की व्यवस्था हो, तो ये हर साल भारतीय जनता पार्टी वो नॉर्थ इंडिया सेल करती है। इसका निर्देशन हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सदानंद सिंह तनावड़े जी के अंडर में होता है, उनके आदेश से ही हम इस कार्यक्रम को करते हैं। और इसमें 10 से 15,000 लोग मीरामार बीच में है और इतनी ही तादाद में करीब वास्को डिगामा में भी है जहाँ पे आज शायद मुख्यमंत्री साहब भी पहुँचने वाले हैं, और पोंडा में भी। तीन जगह हमने इस कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया है। इस कार्यक्रम के तहत हम शाम को ढलते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और दूसरे दिन सवेरे उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, उसको अर्घ देते हैं। इस कार्यक्रम इस छठ पूजा को जो है राजा कर्ण के समय से मनाया जा रहा है। राजा कर्ण ने इस कार्यक्रम इस छठ पूजा का कार्यक्रम इसलिए किया कि समाज के सभी वर्गों को नीचे से लगाकर ऊपर तक के सभी वर्ग के लोग जो होते हैं उनको एकजुट करके एकजुटता लाने के लिए इस छठ पूजा की पूजा का आयोजन करना चालू किया था और वो अभी आज भव्य रूप में मनाया जा रहा है। और न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और क्या इसी तरह आगे भी इसी तरह का आयोजन रहेगा? हाँ, आगे भी वो नॉर्थ इंडिया सेल आगे भी इस प्रकार के आयोजन करती रहेगी और करती है। पिछले साल भी किया था और भी कई कार्यक्रम करते हैं हम, जैसे तीज की पूजा है और भी कोई जो उत्तर भारतीय जो कार्यक्रम होते हैं वो भी हम करते हैं। गोवा के कार्यक्रम भी करते हैं। हम सब एकजुट होकर के सारे कार्यक्रम को अरेंजमेंट करते हैं। पूजाओं में उगते सूर्य को जलाभिषेक होता है और ये छठ पूजा पर डूबते सूर्य को अभिषेक दिया जाता है। तो पहले डूबते सूर्य का अभिषेक पहले दिन और दूसरे दिन सुबह उगते सूर्य का अभिषेक किया जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अब वो महत्व तो बड़ी कथा है, वो उसकी कथा छोड़ दीजिए। तो इसका यहाँ अरेंजमेंट मीरामार बीच पर ये सारे लोग बहुत काफ़ी दिनों से करते हैं, लेकिन ये 2 साल से हम बीजेपी के अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। दो साल से बीजेपी के तरफ से अरेंजमेंट होता है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। टॉयलेट का प्रबंध है, ये सब ये देखिए, ये लोगों गेस्ट लोग के लिए है, इधर वो कपड़ा चेंज करने वालों के लिए है, पानी का अरेंजमेंट है, वो लाइट का अरेंजमेंट है और माइक वगैरह का भी अरेंजमेंट रहेगा। तो बीजेपी के तरफ से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम अभी केवल पूर्वांचल का और गोवा का नहीं है, ये पूरे विश्व में हो गया है। इसकी महत्ता जो है, इसका महत्व पूरे विश्व के लोग जान गए हैं। सब जगह छठ पूजा होता है, इसलिए छठ पूजा का एक विशेष महत्व है और इसमें देवी की पूजा से काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बच्चे मिलते हैं, धन मिलता है, संपत्ति मिलता है, आपकी आय मिलती है, आपकी सारी चीज़ें इस पूजा के में ऐसी व्यवस्था है माता जी का कि आपको सब कुछ मिल जाता है।